राज्यों में हुए भाजपा के अभूतपूर्व विजय का श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए विकास और मोदी के प्रति जनता के विश्वास को दिया है, जहां उन्होंने कहा कि आज जो अभूतपूर्व विजय भाजपा का हुआ है वह मोदी द्वारा चलाए विकास कार्यों की जन अनुभूति का परिणाम है और यकीनन हम लोकसभा में भी जीत हासिल करेंगे। चार राज्यों के चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिखाया है। ये मोदी जी के ऊपर लोगों के विश्वास की जीत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पारदर्शी प्रामाणिकता से गरीब कल्याण का एजेंडा इस देश में चलाया, उसके विश्वास की ये जीत है। जिस प्रकार से भारत के विकास को लोगों ने उसका अनुभव किया, उसकी अनुभूति ली, उसका ये विजय है। जिस प्रकार से आम आदमी को ये लगा कि कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार ये सीधे हमारे लिए काम कर रही है, उस अनुभूति का ये विजय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे चार राज्यों की जनता, विशेष रूप से जिन तीन राज्यों में हमको विजय मिला है, उसकी जनता का तो ये श्रेय है ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका पूरा श्रेय ये प्रधानमंत्री मोदी जी को है, उनके ऊपर जो विश्वास है उसको ये श्रेय है, और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे मास्टर स्ट्रेटजिस्ट और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इनको भी ये श्रेय जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राज्यों की बीजेपी के जो यूनिट्स है और हमारा जो केंद्रीय पूरा नेतृत्व है, इनका ये श्रेय है कि जिसके कारण एक अभूतपूर्व जीत हमको मिली है। इस जीत का हम जब विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि बीजेपी के वोट्स ये 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर एवरेज में बढ़े हैं, जहाँ एक और छत्तीसगढ़ में 14% वोटों की बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है, वही मध्य प्रदेश में भी 8% वोट बढ़े हैं और तेलंगाना में भी तकरीबन 10% वोटों में इजाफा हमको दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास दिखाया है। अभी इन चार राज्यों में कुल मिलाकर जो 639 सीटें थी, उनमें से 339 सीटें यानी 50% से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो एक डिसाइसिव विन, एक डिसाइसिव मैंडेट ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। लोगों ने जो इंडी अलायंस तैयार हुआ था उसको सिरे से नकार दिया है, और जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी कर रहे थे और रेवड़िया बांटने का काम कर रहे थे और जिस प्रकार के आश्वासन वो दे रहे थे, लोगों ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकारा है और राहुल गांधी की झूठी गारंटी को सिरे से नकार दिया है, ये इसमें से ध्यान में आता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस की जब बैठक होगी तो इस पराजय के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की जगह अगर आत्मावलोकन वो लोग करेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि ये जीत केवल पारदर्शी प्रामाणिकता की मोदी जी के नेतृत्व की जीत है।